Hello? Ha, Mr. Ranganathan. Sorry, Mr. Ranganathan, she's still in the bathroom. आप एक 10 मिनट बाद फोन कीजिए, जब तक तो वो बाहर आ जाएगी. ओके, थैंक यू. चांदनी, चांदनी, इट्स इनफ, बाहर आ जाओ. मिस्टर रंगनाथन का 3 बार फोन आ चुका है, अब अगर आया तो मैं रॉन्ग नंबर कह के रख दूंगी. चांदनी, कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? अरे शॉवर तो बंद करो. चांदनी, चांदनी, ओफ, इस लड़की का मैं क्या करूं? शालू, रंगनाथन का फोन आया था. लो, भला उनका फोन तुम्हें क्यों आने लगा? भला उनको तुमसे क्या काम हो? अरे पगली, हमें उनसे बहुत काम है. लो, बहुत से काम है और ये इत्मीनान से नहा रही हैं. ओहो, हम नहा चुके. अब ये बताओ, तुम्हारी ये ब्लू जीन्स पहन ले. अरे बाबा, जो पहनना है पहनो, लेकिन बाहर तो आओ. ओफो. लो भाई, आ गए हम. तुमने जान जो आफत में डाल दी. अब ईमानदारी से बताओ, मिस्टर रंगनाथन का फोन आया था? 3 बार. कुछ कहा? उसे तुझसे काम है, मुझे क्या कहेगा. वैसे ये बता, उसे तुझसे क्या काम है? बस एक ऐसा काम जिसकी बुनियाद आज से 15 साल पहले पड़ी थी. उन 15 सालों में पल पल तड़पते रहे हैं हम उस आदमी के लिए, जिसने ना सिर्फ हम लोगों को इकोनॉमिकली बर्बाद कर दिया, बल्कि इमोशनली भी तबाह कर दिया है. वो है कौन? वीर प्रताप सचदेवा. और उन तक पहुंचेंगे हम उनके बेटे राज सचदेवा के जरिए, जो आज अमेरिका से आ रहा है. प्रणाम बुआ जी. जीते रहो बेटा. प्रणाम पापा. बहुत हैंडसम लग रहे हो बेटा. थैंक यू पापा. लेकिन मारे कर बहुत कमजोर हो गए हो. कमजोर हो मैं? दीदी, हर हिंदुस्तानी औरत जब बेटा बहुत दिनों के बाद घर वापस आए तो यही कहती है. अरे अच्छा खासा भला जगह है अपना पोतर. क्यों? यस पापा. अच्छा बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज तुम आराम करो. कल तुम्हारे आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है मैंने. शहर के चुनिंदा लोगों के साथ मिलवाना जो है तुम्हें. ओके, एंजॉय योरसेल्फ. ओके दीदी. रंगनाथन. अरे यार, मैं सुबह से पहुंच चुका हूँ, दोपहर हो गई और तुम मुझे अभी फोन कर रहे हो. अच्छा ये बताओ, मेरा काम हुआ कि नहीं, या तुम्हारे राज में राज बिना ऐश किए रह जाएगा? वो हमें कहाँ मिलेंगे? अल्टामाउंट रोड पर. क्या वो अपनी गाड़ी खराब कर देंगे? लेकिन लेकिन यार, मैं उसे उसे पहचानूंगा कैसे? आपने उन्हें कह दिया ना कि हम रेड टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रहेंगे. हाँ यार, मैं पूरा ड्रामा रखूंगा, जैसे तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं. वो मुझे चलते चलते रास्ते पर मिल गई, एकदम अजनबियों की तरह. ओके, बेफिक्र रहिए मिस्टर रंगनाथन, आपके पैसे हमने हमेशा वक्त पर दिए हैं. आपकी जितनी तनख्वाह सचदेवा की आनी है, उससे कई ज्यादा हमने आपको हर विजिट पर दिया है. रंगनाथन, मुंह खोल के जितना मांगोगे मिलेगा, लेकिन उस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. हमें मंजूर है. आज शाम हम मिल रहे हैं सांप के बेटे सपोले से, एक नए रूप के साथ. एक नई चांदनी अब आएगी दुनिया के सामने, जिसे देखते ही लोग दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे. उन्हें यकीन नहीं आएगा कि ये वही चांदनी है जो हया की मूरत थी, शर्माती सूरत थी, प्यार का सागर थी, मासूम बादल थी. ये इसे क्या हो गया? ये ऐसी कैसी बन गई? लेकिन जब इस रूप के पीछे छिपी इसकी मजबूरी को देखेंगे, तो उन्हें मजबूरन हमारे इस रूप को मानना पड़ेगा, उसे तस्लीम करना पड़ेगा.
हेल्प यू? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? आप क्या मैकेनिक हैं? हाँ, हम दिल के मैकेनिक हैं। टूटे हुए दिल के तारों को जोड़ते हैं, परेशान हाल दिल का इलाज करते हैं। जी नहीं, मुझे दिल का कोई रोग नहीं है। फिलहाल अगर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। पैसे कितने हुए? 10,000 रुपए। 10,000? ज्यादा है, 2,000 कम कर दीजिएगा। मैं कुछ समझा नहीं। आप गाड़ी के अंदर हैं और हम गाड़ी के बाहर। अगर इसी तरह बातें करते रहे ना तो आप हमें कभी नहीं समझ पाएंगे। आइए। तो एक पहेली है। नहीं, हम सपना है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सपने देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको रात में गहरी नींद के सपने देखने अच्छे नहीं लगते, और हम दिन की रोशनी में खुली आंखों से देखने वाला सपना है, जिसे देखने के लिए इंसान को अपनी आंखें भी खुली रखनी पड़ती है और अपने दिल का दरवाजा भी। दिल का दरवाजा तो कई बार खुल के बंद कर चुका है, अब तो ये उसी वक्त खुलेगा जब इसे कोई परमानेंटली है। एनीवे, कहां तक जाएंगे आप? मैं आपको ड्रॉप कर दूं। बिना कीमत के सिर्फ लिफ्ट से ही काम चला लेंगे आप। आपकी कीमत देने को तैयार, लेकिन इतनी महंगी कीमत? कीमत महंगी होती है सरकार, सस्ती तो उजरत होती है, और हम अपने काम की कीमत लेते हैं। वेरी गुड। वैसे आपका नाम क्या है? जो आप रखना चाहें। कम ऑन, अपना नाम बताइए। चांदनी। चांदनी? हम चांदनी सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी हैं। चांदनी, ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका, और आपने चांद की तरह चमक दी है। जरा नवाजी का शुक्रिया। चांदनी, मैं जिंदगी में बहुत सी लड़कियों से मिल चुका हूँ, लेकिन तुम जैसी लड़की पहली बार मिली। सारी जिंदगी आप लड़कियों से मिलते रहे हैं, पहली बार चांदनी से मिल रहे हैं। कुछ नयापन लग रहा है ना? चांदनी वो लड़की नहीं जिससे लोग उठ जाए, चांदनी तो वो लड़की है जिसमें लोग डूब जाए। अगर हमारा किसी से बात करने को जी नहीं चाह तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें बात करने पर मजबूर नहीं कर सकती। वैसे पता नहीं क्यों पहले ही नजर में आपसे बात करने को जी चाह। वैसे आप गाड़ी बहुत धीमी चलाते हैं, क्या पहली बार चला रहे हैं? या डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए? तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर बाजू में बैठी हो तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए हम आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम कर लेते हैं। वो कैसे? Do you mind if I drive? Do you know how to drive a car? ड्राइविंग करना? कौन सी बड़ी बात है? अगर आप हमसे पूछे कि Do you know how to fly an aircraft? तो उसका भी जवाब है हमारे पास। अच्छा, क्या? I know how to fly an aircraft. Really? फंस गए ना। आप गाड़ी रोकते हैं, हम स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लें। अच्छा बाबा, रोकता हूँ। तुम बहुत खतरनाक लड़की हो, वेरी डेंजरस एंड वेरी ट्रिकी। चलिए शुक्र है,
हमारी एक क्वालिटी तो आपकी समझ में आई। वैसे अगर आप हमारी और भी क्वालिटीज के बारे में जानना चाहें तो वो जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पर रोक दीजिएगा। अच्छा। आप और हम बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे और वैसे भी इस समय वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ आप होंगे और हम। किस जगह काम करती हैं आप? काम का कोई ठिकाना नहीं, जहाँ काम मिल जाए वही हम अपना ठिकाना बना लेते हैं। वैसे आपके बारे में हम पूछ नहीं सकते, अगर नाम ये बता दें तो बड़ी खुशी होगी। मेरा नाम है राज सचदेवा, सचदेवा इंडस्ट्रीज के वीर प्रताप सचदेवा का बेटा। पूरे हिंदुस्तान में सचदेवा इंडस्ट्रीज का कारोबार टेलीफोन लाइंस और रेलवे ट्रैक्स की तरह फैला हुआ है। अभी कुछ ही दिन हुए अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके लौटा। हाँ, तुम पूछ रही थी ना कि मैं गाड़ी आहिस्ता क्यों चलाता हूँ, उसकी एक वजह यह है कि मैं यहाँ की सड़कों से वाकिफ नहीं हूँ। कौन सी सड़क कहाँ जाकर खत्म होती है मैं तो ठीक से यह भी नहीं जानता। रियली हम आपको सही रास्तों की पहचान करवाएंगे। थैंक यू। हाँ, क्या लोगी? जो आप लेंगे। I'll have a hard drink. So will I. Get me a whiskey, please. Vodka. Thank you. अब मैं शायद तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हारे बारे में कुछ कुछ समझ गया हूं, कुछ कुछ। वाह, शराब ही हमारी पहचान बन गई है। खूब खूब समझाया आपने हमें। क्यों, क्या क्या गलत समझा है? व्यापारी होंगे, मगर कसम से आप तो बड़े काया निकले। मैं किसी भी चीज को थोड़े वक्त के लिए पसंद नहीं करता चांदी, और अगर थोड़ी कीमत की चीज लंबे अरसे के लिए मिल जाती है तो फिर मैं उस सौदे से कभी नहीं छूटता। कम बेटे, राज ये तुम्हारा ऑफिस है। इस कंपनी के तुम कल के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कल तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर कब बना जाएगा इसका फैसला तुम्हारे आज के काम को देखने के बाद किया जाएगा। इसलिए हमने कंपनी के वर्कर्स के साथ तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स करवाई है। तुम उनके साथ वही वादा करोगे जिसे तुम्हें पूरा करने का पूरा अख्तियार है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। बैठिए। मिलिए मेरे सुपुत्र मिस्टर राज सचदेवा से, जो अभी अभी अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके आए हैं। यंग ब्लड है, यकीनन आपको इनकी लीडरशिप से बहुत फायदा होने वाला है। इनके जहन में एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ नए प्लान हैं जो आपके सामने पेश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं मिस्टर वीर प्रताप सचदेवा का इकलौता बेटा राज सचदेवा। जी नहीं,
मैं भी आप लोगों की तरह इस कंपनी का एक वर्कर हूं। हाँ, यह जरूर है कि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, और यह भी सच है कि बिजनेस की ABCD से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, काफी सोचने और समझने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि मुझे आपके साथ आपका दोस्त बनकर काम करना होगा, और मैं भी यही चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे दोस्त बनकर मेरा साथ दें। हमारे बीच किसी तरह की कोई डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई डिफरेंसेस होती भी हैं तो हम उनको मिलकर सॉल्व करेंगे और दूर कर देंगे। हाँ, एक और अहम बात, किसी भी तरह की यूनियन बाजी और पार्टी बाजी के सख्त खिलाफ हूं मैं। इन्हें कंपनी का दुश्मन समझता हूं मैं, और जो मेरा दुश्मन होगा वो नेचुरली आपका दोस्त भी नहीं हो सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोग सही रूप से मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग इस कंपनी के साधारण वर्कर्स नहीं बल्कि इस कंपनी के पार्टनर्स होंगे, आपका हिस्सा होगा इस कंपनी में, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे आप लोग। दिस मच आई प्रॉमिस यू। Yeah, Mr. Kishan, get me the labor policy file of the company, please. Yeah. Raj. Yes, brother. ये तुमने क्या किया है? अभी तुम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बने हो, और ना ही कंपनी के पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेने में तुम्हारा कोई हक है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सबको एक आंख से मत देखो, हमारे दो आंखें दी हैं, फर्क करना सीखो। आज जानते हो ऋषि का क्या हाल हुआ? जो कम्युनिज्म और इक्वलिटी की बात करता था, आज खुद वो दुनिया से भीख मांग रहा है मदद की। कम्युनिज्म का देव उसे खुद निकल गया है। और सुनो, मेरी नजर में वो सबसे बड़ा अहमक है जो खुद को भूखा रख के पड़ोसियों का पेट भरता हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पहली गलती नजरअंदाज की जा सकती है, दूसरी दरगुजर की जा सकती है, लेकिन तीसरी माफ नहीं की जा सकती। याद है ना? पहली गलती नजरअंदाज की जा सकती है, दूसरी दरगुजर की जा सकती है, लेकिन तीसरी माफ नहीं की जा सकती। पहली गलती नजरअंदाज की जा सकती है, दूसरी दरगुजर की जा सकती है, लेकिन तीसरी माफ नहीं की जा सकती। पहली गलती नजरअंदाज की जा सकती है, दूसरी दरगुजर की जा सकती है, लेकिन तीसरी माफ नहीं की जा सकती। याद है ना?